नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। और इस वक्त ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के सबसे गर्म शहर में इस वक्त पल पल बदलता रंग बदलता ये मौसम, कभी धूप और कभी छांव, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच अगर लगातार जारी है तो वो है पारे के बढ़ने का क्रम, और पारा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है इस वक्त तापमान और लगभग मैली सी धूप। हालांकि आसमान में हल्के बादल जरूर देखे जा सकते हैं, इसके बावजूद इस मैली सी धूप में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी से राहत लोगों को जो है वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और आपके जिला में क्या कुछ हालत है, आपके जिला में क्या कुछ हालात मौसम को लेकर हैं, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो लगातार बारिशें भी हुई हैं और बादलों की छाँव के बीच मौसम ठंडा भी रहा है। और ऊना की बात करें तो रात के वक्त बादलों को जरूर ऊना की याद आती है और रात भर ठंडी हवाएं भी यहां पर लोगों को राहत जरूर देती हैं, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते तमाम चीज़ें गायब हो जाती हैं और यहां के लोगों को एक बार फिर गर्मी से दो चार होना पड़ता है। तो ऊना शहर का ये रोटरी चौक का एरिया और यहां पर हालात दिन के वक्त कुछ ऐसे हैं कि बेहद कम लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। व्यस्ततम ये चौक ज़रूर है, लेकिन इसकी व्यस्तता इन दिनों में कहीं गायब हो जाती है। गर्मी के साथ तमाम चीज़ें बदल जाती हैं और इन चीज़ों के बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कम लोगों की आवाजाही। ऊना के मौसम की बात करें तो ऊना का मौसम, जो लोग ऊना में रहे हैं, जो लोग ऊना के मौसम से परिचित हैं, वो जानते हैं कि क्या कुछ हालात यहाँ पर रहते हैं जब अप्रैल महीने से लेकर जून महीने की 25 या 26 तारीख तक का समय यहाँ पर बिताना होता है। तो पल पल रंग बदलता ये मौसम। सुबह सवेरे यहाँ पर अच्छी खासी धूप थी, लेकिन उसके बाद अचानक बादल छाए, ऐसा लगा कि अब थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वो वहम जल्द दूर हो गया जब एक बार फिर धूप खिली। लेकिन पलक झपकते ही एक बार फिर से आसमान में बादल देखे जा सकते हैं, हल्के बादल, और जो हवा यहाँ पर चल रही है यकीन मानिए ठंडी तो वो बिल्कुल भी नहीं है। गर्म हवा के ये झोंके लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात में डालते हुए। तो ये कुछ हालत यहाँ पर लोगों की आवाजाही सड़कों पर जो है वो बेहद कम देखने को मिल रही है। मेन बाजार और इसके साथ साथ चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे का यहाँ पर संगम होता है, तो ये एक व्यस्ततम चौक भी माना जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में यहाँ की व्यस्तता उड़न छू हो जाती है। तो किस किस हिस्से से आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या क्या कुछ वहाँ पर हालात आपके वहाँ मौसम को लेकर हैं। ऊना की बात करें तो ऊना के लोग इस वक्त इस गर्मी में भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि फसल कटाई का जो सीज़न चल रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है कि वो मुकम्मल हो और उसके बाद इंद्रदेव यहाँ पर अपनी मेहर की नज़र करें और लोगों को इस तपती गर्मी से राहत दिलाएं। फिलहाल इस बार गर्मी का मौसम काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि मार्च महीने से ही ये गर्मी शुरू हो गई थी। 15 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा, अप्रैल महीने के पहले 20 दिनों में एक भी बूंद नहीं बरसी। और उन्हीं तमाम चीजों के बीच अब देखिए एक बार फिर से धूप यहाँ पर तेज होते हुए, यानी कि बादल जो हैं वो लगातार धूप और छांव के बीच लगातार खेल चल रहा है। और ये देखिए MC पार्क यहाँ पर है, और इस पार्क में भी दोपहर के समय लोगों की आवाजाही जो है वो बढ़ जाती है और लोग
गर्मी के मौसम में राहत पाने के लिए इस पार्क के पेड़ों की छांव को जो है वो काफ़ी सुखद मानते हैं, काफ़ी अहम मानते हैं। सर्दियों के दिनों में इस पार्क का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि दोपहर के वक्त जब लंच सेशन रहता है तो कई कार्यालयों के कर्मचारी लंच के बाद यहाँ आते हैं और कई सारे लोग यहाँ पर धूप का आनंद लेते हैं, लेकिन आजकल बेहद कम जगह यहाँ पर है क्योंकि पेड़ों के नीचे जो बेंचेस हैं बेहद कम हैं। अधिकतर बेंचेस यहाँ पर धूप में रहते हैं तो उन पर इन दिनों में कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे का ये नज़ारा, ये खूबसूरत चौक ऊना जिला मुख्यालय का रोटरी चौक, आने वाले कुछ दिनों तक जो फोरकास्ट यहाँ पर है आपको इसी तरह गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में गर्मी से निजात मिलने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो मौसम विभाग की कई सारी जो यहाँ पर भविष्यवाणियाँ हैं उनको मौसम ने झुठलाया भी है। पिछले करीब एक साल में इस तरह के कई वाक्य यहाँ पर हुए हैं जब मौसम को लेकर कोई फोरकास्ट आई हो लेकिन काम उससे बिल्कुल उलट हुआ हो। और ऊना में इस वक्त फिर यहाँ पर कुछ दिन के लिए आपको गर्मी से दो चार होने की बात जो कही गई है, एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है कि आप गर्मी से अपना बचाव ज़रूर करें, गर्मी के मौसम में अपने आप को ज़रूर सुरक्षित रखें। ड्रेन होने की समस्या आपको इस मौसम में आ सकती है तो उससे आप अपने आप को बचाते हुए तरल पदार्थों का सेवन जरूर करते रहें ताकि पानी की कमी शरीर में ना होने पाए। लाइफ टाइम सीवी के लिए ऊना के एमसी पार्क से विशाल शांडिल्य।